So hi everyone, here's me Lalita starting a new blog again. So I hope you all are doing well. हम लोग भी बहुत अच्छे हैं, कबीर भी बहुत अच्छा है. अच्छा कबीर एंड आई आर गोइंग फॉर अ वॉक बिकॉज शाम को मैं ले जाती हूँ उसको वॉक पे. आई ही टू लाइक गोइंग ऑन अ वॉक. तो दिखा दें आपको कि कबीर कैसे इंजॉय करता है अपनी वॉक. So here is my Dubu enjoying his ride. Since अभी 4 महीने का है तो ये बैठ नहीं सकता, तो ये लेट के वॉक करता है. Dubu की एज के काफ़ी बच्चे वॉक करने आते हैं यहाँ पे. So is a Dubu enjoying his walk. वो स्टेयर कर रहा है इधर उधर सारी चीज़ों को, बर्ड्स को, सबको. सो एज यूजुअल Dubu घूमते घूमते सो गया, विच इज़ हिज फेवरेट थिंग टू डू. जब भी वॉक पे आता है थोड़ी देर वॉक करेगा, इधर उधर देखेगा एंड देन सो जाता है. और आज फिर इसके फ्रेंड्स भी नहीं आए तो मुझे लग रहा है Dubu बोर हो गया मम्मा के साथ अकेले अकेले. इसके डैडा भी नहीं आए अभी तक. हमने सोचा कि हम चलते हैं, डैडा पीछे पीछे से आ जाएंगे. शायद डैडा बिजी हो गए हैं कहीं. कोई नहीं, अब Dubu को नींद आ गया है, थोड़ी देर सोएगा फिर घर जाके खुद जाएगा. ये Dubu का फ्रेंड आ गया. क्या शो, हेलो राधे राधे कर दो से, राधे राधे. हाँ अभी तक जगा हुआ था, सो गया. क्या राधे राधे कर दो. चल उठाओ उसको. तो Dubu के डैडा भी आ गए हैं. अब हम Dubu को घर लेके जा रहे हैं. हो सकते हैं हम पार्क भी चले जाएं. इधर से हम जा रहे हैं पाकी. ये सोसाइटी का पार्क एरिया है और Dubu मस्त नींद में है. यहाँ पे काफ़ी लोग वॉलीबॉल खेलते हैं. अभी ये दो बच्चे भी खेल रहे हैं गैस. बट वो पास नहीं कर पाया बॉल. अंधेरा सोने लग गया तो पाकी लाइट्स भी ऑन हो गई हैं. और हम घर वापस आए, Dubu भी उठ गया. उसे पता चल गया मामा उसे वापस लेके आ रही है ना. Dubu बेटा मुंह में नहीं डालते ना, हाथ हाथ नहीं डालो मुंह में. Dubu, so आपने अपना वॉक एंजॉय किया बेटा? टेल एवरीवन आपको कैसा लगा वॉकिंग करके? हाँ हाँ बता दो बता दो. Dubu टेल टेल एवरीवन. Dubu एंड मम्मा इज हैविंग मी टाइम है ना. Dubu ओ बेटा Dubu Dubu. सो गाइस आ गए हम वॉक करके. अब Dubu को थोड़ा सा टमी टाइम देंगे, फिर हम Dubu के साथ खेली खेली करेंगे. मामा डिनर विनर बनाएगी, फिर मालिश करेंगे Dubu की नाइट वाली है ना. Dubu है ना है ना है ना. फिर मैं Dubu चोई चोई कर लेगा. एक बारी तो ये नाप ले चुका है वॉक करते करते के साथ. अब फिर चोई चोई कर लेगा मेरा Dubu Dubu. अच्छा आप लोगों ने मुझे बताया नहीं कि मेरा Dubu मेरे जैसा लगता है कि नहीं लगता है. अरे यार देखो देखो ज़रा बताओ Dubu मेरे जैसा लगता है क्या कि नहीं लगता. चल चल ओके. सो कल काफ़ी थक गए हम, तो मैं आके विंटर नहीं बना पाई क्योंकि उसका डिनर विनर प्रिपेयर किया. Dubu का थोड़ा और बहुत काम था, मालिश वालिश किया, तो फिर टाइम ही नहीं मिला. तो आई थॉट ऑफ
कंटिन्यूइंग इट टुडे। तो अभी कुछ नहीं, बस टू की थोड़ी बॉटल स्टरलाइज कर रही हूँ मैं। यहाँ पे मैंने पानी में इनको उबालने रख दिया है 5 मिनट्स उबाल के, फिर मैं इनको क्विकली निकाल लूँगी। अच्छा, मेरे साथ ये प्रॉब्लम है कि मेरा बेटा कम्प्लीटली इज़ ऑन ब्रेस्ट फीड, तो मैं उसको बॉटल कभी कभी ये होता है कि वो ले लेता है बॉटल से टॉफ़ी, बट एट टाइम्स वो नहीं भी लेता, वो टंग से अपना उसको बाहर करता रहेगा या फिर हाथ से मुझे करेगा नहीं नहीं मुझे मत दो, और कभी कभी ले लेता है। तो इट इज़ गेटिंग वेरी डिफ़िकल्ट फॉर मी टू लाइक गिव टॉफ़ी टू हिम डे बाई डे। इनिशियली हम उसको टॉफ़ी दे रहे थे शुरू में, और डॉक्टर ने कहा बिल्कुल ही बंद कर दो, बट अब जैसे मेरा ऑफिस स्टार्ट होने वाला है, आई टोल्ड यू कि मैंने आपको बताया था कि मेरा ऑफिस नेक्स्ट 2 मंथ्स में स्टार्ट हो गया, हार्डली 2 मंथ्स भी नहीं रह गए, बिकॉज 6th को टू को 4th का हो गया था, एंड आप तब से ही लगा लो, बिकॉज मैंने 5th of Jan से ही मटर्निटी लीव्स अप्लाई करी थी। तो अब मुझे टॉफ़ी चाहिए उसके लिए, क्योंकि मेरी ऑफिस की कॉल्स होंगी या कुछ भी ऑफिस का वर्क होगा, होपफुली माय मैनेजर विल गिव मी वर्क फ्रॉम होम, जैसे मेरा पहले से था प्रेगनेंसी में हैव डन वर्क फ्रॉम होम, तो थोड़ा चीज़ें स्मूथली फिगर आउट हो गई। अब आई डोंट नो क्या होता है, बट इसीलिए मुझे चाहिए कि मैं उसको थोड़ा टॉफ़ी दूँ, मतलब ऐसा नहीं है कि कम्प्लीटली टॉफ़ी, बट थोड़ा बहुत, बिकॉज अब 6 मंथ्स से तो मैं उसको थोड़ा बहुत खाना पीना भी उसको स्टार्ट कर दूंगी। तो आप लोग मुझे बताना कि अगर आप भी सेम इशू फेस कर रहे हो, जिसमें आपका बेटा सिर्फ बच्चा आपका कम्प्लीटली ब्रेस्ट फीड पे है, तो आप उसको टॉप फीड पे थोड़ा बहुत कैसे लेके आए, क्योंकि मेरे लिए थोड़ा चैलेंजिंग हो रहा है। मैं उसको बनाती तो हूँ डेली बेसिस पे ट्राई करने के लिए कि वो थोड़ा यूज टू हो जाए, बट वो ले ही नहीं रहा है, कभी कभी ले लेता है एंड कभी बिल्कुल ही कम्प्लीटली मना कर देता है कि नहीं मुझे नहीं लेना है। तो आप कैसे उसको हैंडल कर रहे हो इस वाले सिचुएशन को? आप लोग अगर मुझे देख रहे हैं एंड आप न्यू मॉम्स हैं, तो प्लीज़ मुझे भी कुछ सजेस्ट कीजिएगा, बिकॉज़ आई एम आल्सो इन अ लर्निंग फेज कि कैसे मैनेज करनी है चीज़ें। सो बस यही, एंड अभी बस स्टार्ट ही हुआ है दिन, डू ऑल दो उठ गया है, बट अभी थोड़ा खेल रहा है, तो मैं सोच रही हूँ थोड़ा सा मैं अपना मी टाइम ले लेती हूँ, तो उठ के मैं थोड़ा सा ल्यूकवॉर्म वाटर ले लेती हूँ। एंड अपना हमारे पीछे साइड अच्छे फार्म्स है, मतलब ग्रीनरी है काफ़ी, लेट मी शो यू। तो यहाँ पे हमारे बैक साइड पे फार्म्स हैं, यहाँ पे इतनी ठंडी ठंडी हवा आती है सुबह के टाइम पे, तो मूड रिफ्रेश हो जाता है। अब थके हो तो ये चीज़ देख के, मतलब आई एम अ लवर, नेचर लवर, तो ये चीज़ देख के आई फील वेरी रिलैक्स्ड। एंड प्लस फ्रंट साइड पर हमारा पार्क भी है, विच इज़ ऑल्सो ग्रीन एरिया, तो वहाँ बच्चे खेलते भी रहते हैं, तो इट इज़ वेरी सूदिंग टू सी ना सुबह सुबह। आई डोंट नो आपको सुनाई दे रहा है नहीं दे रहा वीडियो में, बट अभी बड़ी अच्छी चर्पिंग वॉइस ऑफ वो बर्ड आ रहा है, पीकॉक्स भी बोल रहे हैं, यहाँ पे पीकॉक्स भी दिखते हैं बाय द वे पीछे की साइड, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। ओके, सो यहाँ थोड़ा मैं अपना मी टाइम इन्जॉय करती हूँ, एंड इस वीडियो को हम यहीं पे ही एंड करते हैं। लेट्स मीट इन अनदर वीडियो, जहाँ हम कुछ क्वर्की डुगर में कुछ मस्ती कर रहे होंगे। सो आई होप यू गाइज लाइक आवर वीडियो। अगर आप लोगों को हमारा वीडियो पसंद आया हो, तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो, एंड ऑल्सो प्रेस बेल आइकन, ताकि आप लोगों को पता चले दैट हमारा वीडियो आया है, एंड इसी से आई विल गेट मोटिवेटेड कि हाँ मुझे और वीडियोस डालनी है। एंड गोइंग फॉरवर्ड मुझे लगता है कि मैं वीडियोस डालूंगी तो इट विल बी अ मेमोरी फॉर माय चाइल्ड आल्सो, कि जब वो थोड़ा बड़ा होगा ही विल अंडरस्टैंड कि हाँ मैं ऐसे करता था, मम्मा ऐसे करती थी, तो वो भी एक बॉन्ड क्रिएट करने में मुझे हेल्प करेगा। तो आप लोग सपोर्ट करिए, आप लोग सपोर्ट करेंगे तभी मैं मोटिवेट होके और अच्छी वीडियोस बनाऊंगी। आई नो अभी मेरी वीडियो स्किल्स उतनी अच्छी नहीं है, बट आई कीप इम्प्रूविंग देम, और मैं आई ट्राई टू लर्न वीडियो एडिटिंग ऑल्सो, जो कि अभी मुझे इतनी अच्छे से नहीं आती है, आई एम जस्ट ट्राइंग माई हैंड। तो ठीक है, देन टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड योर फैमिली, एंड कीप स्माइलिंग। आप लोग भी हंसते रहिए और अपने आसपास के लोगों को भी हंसाते रहिए। जल्दी मिलते हैं विद द नेक्स्ट वीडियो। ओके, बाय।